फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैंने व्लॉग आज इस टाइम स्टार्ट किया, मतलब अब सुबह नहीं किया, क्योंकि मैं सुबह घूमने नहीं गई, मॉर्निंग वॉक पे आज नहीं गई। मतलब मैं उठी थी, अलार्म बजा था मेरा, मैं उठी, अलार्म बंद किया मैंने, फिर उसके बाद मैं लेट गई। पर सोई नहीं मैं, मतलब मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी जाने का, तो इसलिए मैं लेट गई थी। फिर बाद में उठी, मतलब 7 बजे से पहले उठ गई थी मैं। फिर ग्रीन टी बनाई अपने के लिए, ममता के लिए, फिर पी हम लोगों ने, फिर साफ सफाई की मैंने। और आज थोड़ा लेट हो गया पूजा करने में, क्योंकि 12 बज चुके हैं, क्योंकि मैंने पर्दे वर्दे धुले सारे कमरों के, सब जगह के पर्दे धुले हैं आज, तो जाके थोड़ा लेट हो गया था पूजा वूजा करने में। तो और अब मेरी हो चुकी है पूजा। मम्मी ने मेरे फ्रूट काट के रख दिया डाइनिंग टेबल पे, तो मैं खाऊंगी वो। और मम्मी बना रही है किचन में छाछ। तो चलते हैं, पहले मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ एक बार, जो कि मैं कर चुकी हूँ मंदिर में पूजा। नहीं, मैं नहीं पी रही हूँ दूध। मेरी मम्मी छाछ बना रही है, मैं दूध पीने का मन नहीं है, मैं फ्रूट खाऊंगी बस। क्या होगा? मम्मी क्या बोली? मैंने खत्म हो जाना अभी नहीं होती, मैं खत्म, मैं बहुत भरी हुई हूँ अभी। मम्मी बोली मैं खत्म हो जाऊंगी, कहाँ से खत्म हो जाऊंगी बताओ। निकाल नहीं होती मैं खत्म, अभी तो आज तो दूसरा दिन है व्रत का। थोड़ा सा गर्म करना मेरे लिए बस, ज्यादा नहीं। तो मम्मी बोली है दूध पीने के लिए, करी खत्म हो जाएगी तू तब तक। तो जाके और मम्मी ने इधर काट दिए फ्रूट और मैं खाऊंगी, और दूध अभी गर्म हो रहा है। अब पड़ाकू बच्ची की पढ़ाई चल रही होगी। नहीं, फोन चल रहा है इसका। अरे भगवान, मैं सोच रही पढ़ाकू बच्ची पढ़ाई कर रही है, पढ़ाकू बच्ची पढ़ाई नहीं कर रही है, फोन चला रही है। अभी है यार, इधर 5 मिनट है वो। अच्छा, अभी 5 मिनट है, 5 मिनट बाद उसकी क्लास स्टार्ट है। कितने बजे तक थी तेरी क्लास? मेरी क्लास 9 से 11 थी। अच्छा, इसने भी अभी, जब मैं क्या कर रही थी, जब मैं नहा के आई तब ये नाश्ता कर रही थी। सब कर चुके थे नाश्ता, बस यही यही कर रही थी अकेला नाश्ता। दूध गर्म हो गया है, जो कि मम्मी ने बहुत ज्यादा किया था, मैंने कम करा है इसको। और उन्हें फ्रूट और गुड़ खाऊंगी मैं दूध के साथ, क्योंकि चीनी नहीं डाल रखी मैंने इसलिए। तो टाइम हो रहा है 4:10 और मैं इतनी तेज धूप में जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि आज है मम्मी के घर पे नवरात्रियों का कीर्तन, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो उसका कीर्तन है आज मम्मी के घर पे। तो मम्मी के घर जा रही हूँ मैं, 8 बजे से है कीर्तन, मम्मी ने बोला तो जाके, तो क्योंकि औरतें आते आते तो वैसे टाइम लगाएगी, पर थोड़ा मम्मी के साथ मदद करूँगी कीर्तन की तैयारियों में, कीर्तन की तैयारी में। और फल भी ले जाने हैं मेरे को मार्केट से, तो जाके भी जा रही हूँ मैं। और क्या बोलते हैं उसको, और मैं 4-5 दिन से रोज धूप में जा रही हूँ, रोज मेरी हालत ना ऐसे हो गई है खराब हालत में धूप में जा जाके। और अभी जा रही हूँ मम्मी के घर, और अभी भी मम्मी थोड़ा थोड़ा मेरे से नाराज है, मतलब थोड़ा सा मानी है, ज़्यादा नहीं मानी है, तो थोड़ा और आज मना लेंगे मम्मी को। और आज आ रही है मेरी रुद्रपुर से बड़ी वाली सिस्टर भी, क्योंकि अभी का बर्थडे है तो पार्टी यहीं है, तो जाके वो आ जाएंगे शायद शाम तक। तो देखते हैं, क्या पता कीर्तन होते टाइम आ जाएं, जब कीर्तन, क्या पता कीर्तन में ही आ जाएं या फिर कीर्तन होने के बाद आएं, देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे को भी नहीं पता कंफर्म, क्योंकि मेरी कल ही बात हुई थी उनसे, तो बोलते हैं हम शाम तक आएंगे, पर उसके बाद आज नहीं हुई मेरी बात, तो देखते हैं क्या बोलते हैं, मतलब देखते हैं क्या होता है, आते कब तक आते हैं। तो जाके और जा रही हूँ मम्मी के घर, रास्ता लगी और इतनी तेज़ धूप हो रही है, और ऊपर से बर्थ में कहीं जाने का मन भी नहीं करता तेज़ धूप में, पर मैं फिर भी जा रही हूँ। मैं चलती हूँ सीधा मार्केट, मार्केट से लेती हूँ फल, उसके बाद जाऊँगी सीधा मम्मी के घर। तो मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर, और यहाँ कीर्तन शुरू हो चुके हैं, मतलब एक कीर्तन हो चुका है, दूसरा चल रहा है, और फिर के लोग भी आ चुके हैं रुद्रपुर से। तो जाके, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैं फल भी लेके आई थी तो हाथ भारी हो गया था, इससे मैं मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक हाथ पे फल था और एक हाथ पे मम्मी के, जो मम्मी का सॉल लेके आई थी मेरे घर पे ही रह गया था, जो प्रीति वहाँ छोड़ गई थी वो। तो जाके मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। जा, ये आए रुद्रपुर से, सो गए, और कानू भी उधर सो रहा है आराम से, उसको बाद में मिलेंगे हम कानू को। आ गया है अब रुद्रपुर से मेरी प्रीति, यहाँ चल रहा है कीर्तन, अभी कीर्तन खत्म हो गया है। यहाँ सिर्फ एक इंसान कीर्तन कर रहा है, वो भी सासू जी, बाकी सब औरतें गप्पे मार रही है। डर गई, डर, मैं एकदम से आई सासू।
से डर गई। अब भजन सर्च किए जा रहे हैं फोन में कीर्तन के लिए, देखिए जरा इनका टैलेंटेड हो रही है, अंदर कीर्तन चल रहे हैं, बाहर गाने सर्च किए जा रहे हैं। आता रहता है अरे तो जाओ ना फिर अंदर जाओ, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर जाओ कीर्तन करो। मौसी को नमस्ते नहीं किया इसने आज, आज मौसी को नमस्ते नहीं किया इसने, गंदी बात। जैसे जैसे बड़ा हो रहा वैसे वैसे मौसी को नमस्ते करना भूल गया। उठ गया है मेरा कानू बेबी अभी भी नींद में, और उठते ही गाड़ी चाहिए इसको, गाड़ी मांग रहा अपनी मम्मी से। मम्मी ने ले रखी गाड़ी चल रहे नहीं, ओ मिलने कहा से गाड़ी, अभी इसकी नींद भी नहीं खुली है अच्छे से, इसको गाड़ी चाहिए अभी से। और कीर्तन अभी चल ही रहे हैं, और हमने रख दिया चाय बनाने के लिए, और तो हमने पानी दे दिया था पहले, मतलब अभी थोड़ी देर पहले दिया क्योंकि बहुत चार पांच कीर्तन हो गए थे, उसके बाद हमने ऑटो को पानी दिया और अब चाय रख दी है गैस पे उठा के, और अभी थोड़ी देर में कीर्तन खत्म हो जाएगा तब चाय नमकीन बिस्किट देंगे हम औरतों को, मतलब जिनका व्रत नहीं होगा वो खाएंगे, जिनका व्रत होगा वो तो नहीं खाएंगे। बाकी चल रहे हैं अभी कीर्तन, नाचने वाली आंटी, नाचने वाली आंटी को देख रहा अंदर झांक झांक के, बोलो मैं यहीं से आऊंगा अंदर बस। देख देखो आरती होने लग गई है, दादी जा रही है अब आरती के लिए आगे। तो मैं जा रही हूँ अब, बाय 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 अबू बाय। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने घर, और मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं अमित जी और प्रीति और कानू, क्योंकि उनको मार्केट से कुछ सामान भी लेना है इसलिए कल पूजा का, और मेरे को थोड़ा पार्लर भी जाना है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से थ्रेडिंग नहीं बनवाई है इसलिए, और प्री को भी काम है पार्लर में तो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे हम, सिर्फ थ्रेडिंग बनवाएंगे क्योंकि मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ मैं थ्रेडिंग बनवाऊंगी। तो जैजी गाड़ी निकाल के ला रहे फिर चलते हैं, जीजा ने हमको मेन रोड पे ही उतार दिया क्योंकि जीजा चले गए सामान लेने के लिए, और मैं और प्रीति जा रहे हैं पार्लर। इधर दिखाइए अपनी शकल, ये थोड़ा चमक के आएगी कल के लिए, हम पहुंच चुके हैं, ये है मैग्नेट पार्लर, विशाल मैग्नेट है, तो हम यहाँ जा रहे हैं, यहीं से करवाती हूँ मैं, मतलब यहीं जाती हूँ मैं पार्लर मेन। कोई नहीं तो पता चले तो पार्लर जाती है ऐसा, तू तू पता तू कहते कैसे बैठ रखी है, डॉक्टर डॉक्टर के पास जाके बैठी होगी इंजेक्शन लगाने के लिए। चुके हैं घर, पहुंच गए, ये लोग भी आए मेरे साथ, हो गया हो गया, आइए आइए दरवाजा ढक देना अच्छा, चलो 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 अंदर चलो कानू, कौन जीजा, जीजा यही रहना चाह रहे हैं, जीजा नहीं जाना चाह रहे भाई इनवाइट करने के लिए अभी के बर्थडे के लिए। अपने रूम में सोने के लिए हो चुका है हम लोग का खाना पानी, और मम्मी पापा चले गए सोने के लिए अपने रूम में, ममता कर रही है अपने रूम में पढ़ाई, वो बाद में आएगी, और प्रीति लोग आए थे वो पापा और मम्मी को इनवाइट करने के लिए आए थे क्योंकि अभी का बर्थडे है 5 तारीख को, तो उसने कहा हम घर पे आके खुद से करेंगे इन्वाइट, तो वो आए थे तो उन्होंने किया, फिर थोड़ी देर रुके, ज्यादा देर नहीं रुके, फिर वो चले गए थे क्योंकि उनको और भी काम था तो जाके, और बस। और कल मैं कहीं जाऊंगी, वो मैं आपको कल ही बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो जाके, और आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।